खबर आगरा जनपद से, जहां आज टीम सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने ट्रैफिक पुलिस लाइन में स्थित ट्रैफिक कमांड सेंटर पहुंचकर आगरा के ट्रैफिक मैनेजमेंट को देखा। कमांड सेंटर रियल टाइम पर कार्य करता है। अब प्रतीत होता है कि स्मार्ट सिटी के कैमरों का सही उपयोग हो रहा है। एक जगह से पूरे शहर पर नजर रखी जा सकती है। अगर ट्रैफिक रेड लाइट या ट्रैफिक पुलिस ने नहीं रोका है तो 30 सेकंड से ज्यादा रुकावट पर कमांड सेंटर में सूचना पहुंच जाती है, तत्काल कार्यवाही की जाती है। कमांड सेंटर पर लगी स्क्रीन पर आगरा की विभिन्न सड़कों पर ट्रैफिक की स्थिति ग्रीन बिना रुकावट के, येलो धीमा ट्रैफिक और लाल जाम में रुकावट का संकेत। ज्यादातर ट्रैफिक पुलिस स्टाफ भी अपने मोबाइल पर शहर के ट्रैफिक मूवमेंट पर नजर रख सकता है। आगरा के ट्रैफिक संचालन में टेक्नोलॉजी और मैन पावर प्लेसमेंट में के संगम से जमीनी स्तर पर बदलाव नजर आ रहा है। SCP अरीब अहमद ने पूरे कमांड सेंटर के कार्य को विस्तार से बताया। अभी तो ट्रैफिक पुलिस पब्लिक एड्रेस सिस्टम से ट्रैफिक रूल अवगत करा रही है, जल्द ही नियम तोड़ने वालों से सख्ती से निपटेगी। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का मानना है यह प्रगतिशील बदलाव है। शहर के लोगों को, खासकर स्कूल छात्रों को, यह कमांड सेंटर जरूर देखना चाहिए। इस दौरान अनिल शर्मा और असलम सलीमी ने कमांड सेंटर देखा। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज हमारे डेलीगेशन ने आगरा ट्रैफिक पुलिस का जो कमांड सेंटर है उसको विजिट किया और हमारे को ACP अरीब अहमद साहब ने पूरा ट्रैफिक जो सिस्टम है, कैसे वो कमांड करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, ये जो स्मार्ट सिटी के कैमरा लगे हैं उसका लिंक वहां पर है और उससे पूरा ट्रैफिक मैनेज होता है। पूरे स्क्रीन पर पूरे आगरा का चित्र है, मैप है, उसके ऊपर जहां जहां जिस हिसाब से ट्रैफिक होता है उस हिसाब से लाइन बन जाती है। अगर ग्रीन कलर की लाइट है तो इसका मतलब है कि ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है, येलो है तो धीरे धीरे करके चल रहा है, और अगर रेड है तो वहां पे ट्रैफिक है। ACP साहब ने बताया कि अगर रेड सिग्नल नहीं है या पुलिस वाले ने ट्रैफिक नहीं रोका है, अगर 30 सेकंड तक कहीं भी ट्रैफिक जाम होता है तो उनकी जो क्विक रिस्पांस टीम है वो एक्टिवेट हो जाती है और जो जहां पर लेस ट्रैफिक होता है वहां से ट्रैफिक पर्सनल को ट्रांसफर करके जहां पे जाम लगा है वहां भेज दी जाती है। इससे आगरा वासियों को बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई है और ये वाकई काबिले तारीफ है। धन्यवाद।